भाई निकल नहीं रहा, इधर आ तू, वीडियो बंद कर भाई। ओ इधर आ, थोड़ा मदद कर दे इसकी यार। थैंक यू भाई, रुक दे ना। गुड मॉर्निंग गाइज, 30th January इट इज व्हेन आई एम शूटिंग दिस, और काफ़ी ठंड हो रही है, -1-2 degrees टेम्परेचर इस टाइम। जब तक कि पीछे देख रहे हो वहाँ धूप आने लग गई है, जब तक यहाँ तक धूप नहीं पहुँचती है तब तक तो ऐसे कुकड़ी बनी रहती है। सुबह ठंड काफ़ी लग रही है बट फ्रेश है यार, बहुत फ्रेशनेस है, ठंड है बट फ्रेशनेस भी है पूरी पूरी, तो वो अच्छा फीलिंग भी करा रही है साथ साथ में। और आज जलोरी पास जाने का हम सोच रहे हैं, क्योंकि सुनने में आया कि वो खुल गया है, काफ़ी हद तक खुल गया है, शायद टॉप तक तो ना पहुंच पाए बिकॉज वहाँ पे बर्फ़ होगी बहुत, बट अभी क्योंकि 2-3 दिन से बर्फ़ नहीं पड़ी है तो इसलिए सनलाइट की वजह से बर्फ़ पिघल गई है। ऐसा गए थे कुछ लोग कल, वो बता रहे थे कि जा सकते हो। यह हॉस्टल का बेस्ट होता है, इसीलिए हॉस्टल में आके स्टे करो, तो चाहे तुम सोलो भी ट्रैवल कर रहे हो ना, बहुत प्रोबेबिलिटी कि एक दो बंदे या कोई फीमेल भी आपको मिल ही जाएंगे यहाँ पे साथ में, जो ट्रैवल वगैरह करने हैं, घूमने हैं, तो यू कैन विजिट द स्पॉट्स टुगेदर, जैसे हमने यस्टरडे किया। कल के रात का सीन बताता हूँ, यस्टरडे रात को कुछ लोग ये 3 फ्रेंड्स जैसे हमने फरीदाबाद साइड से भी आए, तो उनमें से एक का बर्थडे था। यार विकी कौशल ने तो मेरे लिए फुग्गा फुला दिया है। तो बहुत लिट सीन था यार, ये बेस्ट रहता है हॉस्टल का, मैं लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, कभी किसी का बर्थडे होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ सेलिब्रेशन का मौका होता है, किसी का दुख का इवेंट होता है तो वो शेयर करता है, यू नो यू कैन फॉर्म अ लिटिल बिट ऑफ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु वुड रेयरली जज यू बिकॉज तुम जानते ही नहीं हो उनको, थोड़े दिन मिलते हो फिर तुम कहीं और वो कहीं और, बहुत सही एक बॉन्ड सा बन जाता है। की तरफ दो ही लोग ही आए, बाकी जो दो थे वो शायद सो रहे थे या व्हाटएवर, तो ये फाइनली दो चल रहे हैं, शुभम एंड कंदर्प। Some fellow trekkers on the way to Jalori Pass. Yeah.
देखो भाई ऐसे होता है जब तुम गाड़ी गलत जगह पे गलत टाइम पे लाने की कोशिश करते हो या छोड़ जाते हो। ऑल इन कैसे निकलेगी भैया ये गाड़ी कैसे निकलेगी? ये निकलेगी अब 1-1.5 महीना बाद। 1-1.5 महीना बाद। हेलो भाई भाई तो क्या मतलब स्नोफॉल के दौरान लाए होंगे आई थिंक जब शुरू हुआ होगा तो छोड़ के जानी पड़ी होगी। छोड़ के जानी पड़ी। जलोरी पास पहुंच गए एट 10,000 समथिंग फीट और उस रास्ते से आए हैं पीछे की तरफ से एंड टूवर्ड्स ये जो रास्ता जा रहा है वो जो ऊपर दिख रहा है जंगल में जाता हो दैट गोज टूवर्ड्स दी फोर्ट द रघुपुर फोर्ट गलत बोल रहा हूँ नीचे लिख दूंगा एंड अभी जिस रास्ते जा रहा हूँ मैं ये जो जा रहा है दिस गोज टूवर्ड्स दी सरलोसर लेक जो 5 किलोमीटर आ गया और जो फोर्ट है वो सम 3 किलोमीटर आगे। वहाँ दोनों जगह पे नहीं जा सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा स्नो है इवन रास्ता तक नहीं बना जैसे हम पे अभी चढ़ के चल के आए हैं वो स्टिल बना दिया गया था तो हम आ गए बट वहाँ का तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं बना वो मतलब इतनी यहाँ इतनी डीप स्नो भी नहीं आया। ये मोबाइल के साथ शूट करना बिल्कुल बहुत हार्ड लग रहा है आफ्टर शूटिंग विद ऑस्मो बट ठीक है उसका सीन हो गए हैं तो हैव टू मैनेज विद दिस। एनीवेज बहुत सुंदर जगह है और व्यू अभी यहाँ से दिखाता हूँ व्यू पॉइंट जा रहे हैं अभी हम वहाँ से और सुंदर व्यू आएगा पूरा 360 डिग्री टाइप तो वो आगे दिखाता हूँ। अचीवमेंट अनलॉक एक है ना मेरी दो प्लेन एक ही में दे देना नहीं खाता ना मैं सुबह साले ऑमलेट तो खाया मैंने मैं एग मैगी प्रेफर नहीं मजे नहीं आता मुझे एग मैगी क्या फिलॉसफी है अभिषेक जी की बताइए। अभिषेक जी बोलिए फिलॉसफी ये है कि दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं तो अभी तो दो एक होते हैं क्रेजी एक होते हैं क्रेजी हम हैं क्रेजी फिर होते हैं कमजोर और कजमोर और ये बीच में जो चल रहे हैं वो कजमोर हैं। तो राहुल भाई कैसा लग रहा है मजा आ गया जाके जलोरी पास मजा आ गया बस एक 360 पॉइंट था आगे 500 मीटर वहां नहीं गए। अच्छा अच्छा हाँ वहाँ तो शायद हम भी नहीं गए सिर्फ व्यू पॉइंट तक ही गए आप भी ना आप लोग 360 गए थे ना 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 वही वहीं तक जहाँ पे चेयर लगी थी वहाँ बैठे थे तो भाई देखो यार कितना सुंदर बन रखा है वो पीछे आ रहे हैं अभिषेक एंड शुभम फोटो वोटो खींचते मस्त और आगे मैं दिखाता हूँ ऊपर जाना है लेफ्ट से ऊपर जाना है सबसे ऊपर मतलब रूप हो जाएगा
आपको तो पता लगेगा फिर अगर पिछले सब पिछले क्या रखते हैं तो भाई फाइनली वापस जा रहे हैं। क्या 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 नाम था इसका कैफे का? फिरगुन। फिरगुन नाम ही भूल गए, अभी अभी निकले हैं, नाम ही भूल गया। अभी फिरगुन कैफे गए थे भाई, दिखाया मैंने तुम्हें जैसे भाई क्या मस्त हॉट चॉकलेट था, बहुत अच्छा था। 180 का था बट वर्थ इट लगा भाई। ठीक है, एक बारी के लिए तो बनता है। तो कभी ये जलोरी पास वगैरह से आओ ठंड मंड के मौसम में, तो यहाँ रुकना, यहाँ पीना, मजा आ जाएगा। ठंडक छूमंतर कुछ देर के लिए, जब तक पी रहे हो, फिर आ जाएगी एकदम, जैसे अभी अपने हाथ जम रहे हैं फिर से। तो हाँ यार, ग्लव्स वगैरह तो मस्ट है ठंडी गर्म में। और नायलॉन वाले, सिंथेटिक वाले, वुलन वाले ट्राई मत कर, वो मत लाना, क्योंकि स्नो वगैरह में पड़ेंगे तो वो एकदम गीले हो जाएंगे, नो यूज फिर उसके बाद। तो अभी यही है, करते हैं इसी के साथ आज का दिन। दिखाया मैंने जो भी था, जलोरी पास ही आज कवर किया, और वही कवर हो सकता था आराम से अगर देखना है तो। एक दिन का है वो स्नो के टाइम में, क्योंकि पूरा स्नो का रास्ता था। अगली वीडियो में दिखाते हैं, कल तो अपना निकलना ही है, तो हाँ जो भी होगा उसमें वो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब बताऊँगा आपको, देखना ज़रूर। बाय बाय।